Hello, hi dear aspirants. Welcome to this session where we are going to discuss all the important current affairs which happened in the month of October. Now, this is the third in the series. This is third in line जो हम लोग discuss करने जा रहे हैं. इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो वो YouTube पे available है. आप उसको please definitely देख लेना so that you'll know कि कौन-कौन से important aspects हैं जो कि आपको पता होने चाहिए from the current affairs perspective. मेरा नाम वैभव प्रकाश है. मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची अलमनस हूँ और यू नो मैंने 2011 से 2016 के बीच में अपना 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया था. आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स सिंस आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल एंड बाय नाउ आई हैव सक्सेसफुली ट्रेन मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर क्लैट इन वेरियस अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आई एम ऑल्सो परसुइंग माई मास्टर्स इन लॉ दिस ईयर 2021 में 2022 में आई एम ऑल्सो परसुइंग माई मास्टर्स इन लॉ. और अन अकेडमी पे आप मुझे देख सकते हो टेकिंग क्लासेस ऑन इंग्लिश लॉ क्रिटिकल रीजनिंग एंड जी के करेंट अफेयर्स. तो आप इन सभी क्लासेस के लिए आ सकते हो. राइट, ये एक प्री रिकॉर्डेड सेशन है तो आप इसमें मेरे से लाइव क्वेश्चंस डेफिनेटली नहीं पूछ पाओगे. आप कमेंट में डालोगे तो मैं शायद देख के बता नहीं पाऊंगा देन एंड देयर लाइव. बट आप ये डेफिनेटली कर सकते हो कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो. वैभव प्रकाश अन अकेडमी लॉ जो है वो नाम है इस टेलीग्राम चैनल का और ग्रुप का भी नाम वही है. सो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे आके मेरे यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हो. यू कैन पोस्ट मैसेजेस इन द ग्रुप एंड इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू वुड वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन सो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो सो दैट यू नो वी कैन टेक अप दैट डिस्कशन ईदर इन आवर नेक्स्ट क्लास और वॉट वी कैन डू इज कि हम लोग उसको वहीं ग्रुप पे रिजॉल्व कर दें उस इशू को उस डिस्कशन को. ठीक है. अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोग को अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. कई सारी चीज़ें हैं जो इनफैक्ट नॉट जस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पे ना आपके लिए अनलॉक हो जाता है. कई ऐसी सारी क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको यूट्यूब पे या फिर फ्री स्पेशल क्लासेस में नहीं मिलती हैं तो वो सारे क्लासेस जो होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है. द बेस्ट एडवांटेज इज़ कि आप इसको किसी भी ड्यूरेशन के लिए चूज कर सकते हो. ठीक है, यू कैन चूज इट फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन, 9 मंथ ड्यूरेशन और 12 मंथ ड्यूरेशन बेसिंग अपॉन कि आप कब एग्जाम लिख रहे हो और आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है. काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, बहुत ज़्यादा आपको शेल आउट नहीं करना पड़ता है एंड डोंट फॉरगेट दैट यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट इवन ऑन दिस फी. लाइक फॉर एग्जाम्पल 16,800 अगर है 6 मंथ्स का कॉस्ट तो यू कैन यूज माई कोड विच इज़ VAI10. आप VAI10 यूज कर लो और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विच इज़ समवेयर अराउंड 60-80 मतलब ऑलमोस्ट 1700 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ना क्यों आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. लाइक आई सेड प्लस सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स जो है ना वो रियल टाइम बेसिस में क्लास में हैंड रेज करके बात कर सकते हैं अपने को अनम्यूट करके. सो आपके क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आप रियल टाइम बेसिस पे यू नो आपको पता चलते रहता है एंड आप आंसर होते रहता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बहुत कुछ मिलता है टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस एज वेल एज नेशनल लेवल मॉक टेस्ट जो मिलता है. अब जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये प्लस कोर्स है जो कि मैं 22 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ. ये क्रिमिनल लॉ का कोर्स है. दिस इज़ गोइंग टू हैपन ओनली ऑन अन अकेडमी प्लस. अगर आप देखना चाहोगे, अब ये यूट्यूब पे या स्पेशल क्लास में नहीं होगा. ओके, सो अगर आप देखना चाहोगे कि यू नो क्रिमिनल लॉ के कोर्स जो हैं वो कैसे हुए थे तो इसका यूट्यूब पे एक सेशन लिया हुआ है मैंने. ठीक है, यूट्यूब पे एक सेशन है और इसका एक फ्री स्पेशल क्लास में भी एक सेशन है जहाँ पे कि हमने कुछ यू नो मेंस रिया एक्टस रियस के बारे में बात किया था, फिर स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होते हैं उसके ऊपर बात किया था. तो ये दोनों क्लासेस को आप देख के समझो कि कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितने मज़े से और फन से आप पढ़ोगे. लेकिन ये सिर्फ होगा अन अकेडमी प्लस पे तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. सो यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग VAI10 which is my referral code Webhav10 ka and you can get a 10% discount and join my criminal law course and start your overall preparation. Theek hai,
सिक्स मंथ्स कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी एलमनाई द्वारा लॉन्च किया जा रहा है. सारे ही NLU एलमनाई हैं, बैंगलोर, उड़ीसा, पटियाला, जोधपुर के नो एलमनाई हैं, जो कि 17 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 8:30 PM पे. सिक्स मंथ्स का है फॉर क्लैट 2022. सिमिलरली एक बिगिनर्स बैच है क्लैट 2023 के लिए. इसमें भी आपके सब डिफरेंट एडुकेटर्स हैं जो कि आपको सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एज वेल. बैच डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अच्छा, एक आपका यू नो सिक्स मंथ्स मिशन टू NLU 2022 है. अगर आपने लाइव नहीं अटेंड किया तो एटलीस्ट इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली देखना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई है, लाइक टेबल फॉर लास्ट सिक्स मंथ्स, रिसोर्सेज क्या यूज करना चाहिए फॉर क्रैकिंग 2022, एंड अ पर्सनल जर्नी ऑफ बिकमिंग अ रैंक होल्डर इन क्लैट एग्जामिनेशन. Like I said, Unacademy offers you unlimited quizzes, जो कि आप जिसका पार्ट बन सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए लॉन्च कर सकते हो और प्रैक्टिस करते रह सकते हो. एंड वीकली ऑन अ डेली बेसिस यू गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऑन अ वीकली बेसिस यू गेट Unacademy लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड ऑन संडेज यू गेट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट्स. ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट मिलता है. स्पेशल क्लासेस जो होती है Unacademy प्लेटफॉर्म पे होती है. एक स्टूडेंट प्रोफाइल आप बना सकते हो, ये फ्री क्लासेस होती है. मेरे को फॉलो करो Unacademy के पोर्टल पे, सो दैट यू विल नेवर मिस अ क्लास अपडेट फ्रॉम मी व्हेन एवर आई स्केड्यूल अ स्पेशल क्लास. आप लेक्चर नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो स्पेशल क्लासेस के. इंटरैक्टिव फन होती है, पोल्स करते हैं, सो इट्स ऑलवेज अ गुड वन. सो आप Unacademy के पोर्टल पे बना सकते हो एक अपना प्रोफाइल और क्लैट को अपना टारगेट एग्जामिनेशन चूज कर लेना एंड स्टार्ट कर देना अपनी प्रिपरेशन एंड स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस. ओके, सो लेट अस नाउ बिगिन विद वॉट वी नीड टू डिस्कस एंड वॉट वी वॉन्ट टू डिस्कस. ठीक है, सो सबसे पहला इवेंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरे होम टाउन से, विच इज़ वाराणसी. एंड वाराणसी इज टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी विच इज गोइंग टू यूज रोपवे सर्विसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे सर्विस यूज करने वाला वाराणसी जो है वो पहला इंडियन सिटी बनने वाला है. ओवरऑल अगर देखें तो वाराणसी विल बी द थर्ड सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर बोलीविया एंड मेक्सिको सिटी टू यूज रोपवे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. ये पूरा टोटल कॉस्ट जो है ना रोपवे प्रोजेक्ट का वो है 424 crores का. और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा 15 मिनट्स में वुड बी 4.2 kilometers. एंड फॉर अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम वाराणसी कैन ऑलवेज टेल यू, वाराणसी इज अ वेरी पॉपुलस, इज अ वेरी डेंसली पॉपुलस सिटी. वो बहुत ही छोटा सा शहर है और द पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड द रोड्स आर वेरी नैरो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिटी ऑफ स्ट्रीट्स. वाराणसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ स्ट्रीट्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिटी ऑफ टेम्पल्स. ये स्टैटिक जीके में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ स्ट्रीट्स, ये दोनों जो है ओल्डेस्ट सिटी इज वाराणसी अगैन. तो ये सारी कुछ एंसिलरी स्टैटिक जीके का नॉलेज है. बट ये ना काफ़ी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इज डेफिनेटली एन इशू इन वाराणसी. सो हैविंग अ रोपवे सर्विस वेयर यू नो 4 kilometers का डिस्टेंस वुड बी ट्रेवल्ड और वुड बी कवर्ड विद इन 15 minutes इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वेलकम मूव फॉर पीपल लिविंग इन वाराणसी. Now this project will be executed on a PPP basis, public-private partnership model पे चलेगा. And this cost of the project will be divided between the central government and the state government. Central government will be contributing 80%. Central government contribute करेगा 80% और state government, उत्तर प्रदेश government जो है वो 20% contribute करेगा. ठीक है, एंड 4 stations of ropeway service जो है वो द रोपवे सर्विस विल हैव 4 stations एंड और जो ये पायलट फेज है उसकी हाइट जो है वो 11 मीटर के अराउंड की होगी जिसपे कि ये चलेगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो अपडेट. ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है. और ये 2 cities डेफिनेटली याद रखना, बोलीविया में और मेक्सिको सिटी जो है वहाँ पे रोपवे सर्विस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. Moving to the second event, Narendra Modi dedicated 7 new defense public sector undertakings to the nation. So the Prime Minister ne 7 new defense PSUs ko jo ki carve out kiya gaya hai ordnance factory board se. Ordnance factory boards kya hote hain, jo hamare defense ke artilleries banate hain.
गन्स बनाते हैं, यू नो टैंक्स बनाते हैं, वो ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड्स होते हैं। तो इन ऑर्डन्स, जो पहले ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड्स थे ना, उन्हीं को कट कर करके 7 डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, 7 न्यू कंपनीज जो है वो क्रिएट किया गया है। सो इट्स नॉट समथिंग जो कि नया है, इट्स जस्ट कि उसको रीअरेंज कर दिया गया, उसको एक नया स्ट्रक्चर दे दिया गया है। ठीक है, दी 7 न्यू कंपनीज हैव बीन फॉर्म्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द 200 ईयर ओल्ड ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो ये ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड जो था, ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ वो था, जो कि अभी तक कंटिन्यू हो रहा था। देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट दैट वी नीडेड अ न्यू स्ट्रक्चर, थोड़ी नए फ्रेशनेस की, नए आउटलुक की, नए अप्रोच की जरूरत थी, और ये 1st of October से इस ये इफेक्ट में आ चुका है। अंडर द ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड देयर वर 41 फैक्ट्रीज एंड 9 एंसिलरी बॉडीज, तो टोटल ऑफ 50 एंटिटीज जो है वो ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड के अंडर थी। अब यही 50 जो है वो 7 डिफरेंट कंपनीज के अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। सो दीज फैक्ट्रीज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 7 न्यूली क्रिएटेड कंपनीज। नाउ देयर आर 70,000 एम्प्लॉइज ऑफ दीज ऑर्डन्स फैक्ट्री बोर्ड, तो ये भी जो है ये 7 न्यू एंटिटीज का पार्ट बन जाएंगे। But the most important thing, there is not going to be any change in the service condition of the employees. So, isko kuch service conditions unka nahi change ho raha. Everything is going to remain the same. The only thing that is going to happen is that 7 new different PSUs have now been created for doing the work which Ordnance Factory Board, which was one entity which was doing. Moving on to the third important event. Union Minister Anurag Thakur, who is the Information and Broadcasting Minister, inaugurated My Parkings app. ये My Parkings app क्या है? ये एक IoT technology enabled app है, जो कि Broadcast Engineering Consultants India Limited with South Delhi Municipal Corporation के साथ मिल के उन्होंने बनाया है, to digitize all authorized parking under SDMC Municipal Limits. South Delhi Municipal Corporation के under आने वाले जितने भी parking areas हैं, उनको डिजिटाइज करने के लिए माई पार्किंग्स ऐप जो है वो बनाया गया है। दिस ग्रेजुअली ये फैसिलिटी जो है वो रोल आउट की जाएगी फॉर ऑल द अदर म्यूनिसिपैलिटी डिविजन्स अक्रॉस इंडिया एज वेल। दिल्ली इज अ प्लेस जहाँ पे कि सेंटर, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, बिकॉज दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, वो हमारा नेशनल कैपिटल है वो। The main objective of the app is to help reduce pollution by minimizing the time spent in searching for parking spots. तो जो हमको time लगता है ना parking spots search करने में, आप घूम घूम कैसे देखते हो, कह रहे यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, फिर आप एक round मार के आते हो कि कहीं खाली हुआ क्या, it causes unnecessary wastage of time and it also increases the level of pollution. So now अगर मैं South Delhi travel कर रहा हूँ और मुझे पता है कि I need a parking space, so I'll just open up this My Parkings app और मैं अपना एरिया डालूंगा, मेरे को वो बता देगा कि किस जगह वो, इट विल गिव मी अ डायरेक्शन कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपके लिए एक पार्किंग स्पॉट जो है वो अवेलेबल है, आप उसको वहाँ पे फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्री पार्किंग एंड बुकिंग जो है ना, ये काफ़ी एफर्टलेस हो जाएगा अब, एंड इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन, इट विल रिड्यूस द टाइम टेकन, इट विल रिड्यूस द एफर्ट्स टू फाइंड अ पार्किंग स्पेस। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो कि साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिल के एक ऐप को लॉन्च किया है, एंड दिस वॉज इनॉगरेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर अनुराग ठाकुर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ए के गोयल, हु इज द यूको बैंक चीफ, हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के पोस्ट पे ए के गोयल, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूको बैंक, उनको इलेक्ट किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के पोस्ट पे। ही हैज रिप्लेस्ड राजकिरण राय जी, हु वाज द MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI, एंड IBA जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जो कि इंडिया में जितने भी इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं ना, उन ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इंडिया हैज रैंक 101st इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। नाउ दिस इज वन न्यूज इवेंट विच इज नॉट अ हैप्पी इवेंट।
This is not a happy news. This is something which is extremely disturbing and is something which we as Indians are very, what do I say? We as Indians would be very disturbed. So, humko 100 out of 116 countries, we are at 101st position. तो हमारे बाद सिर्फ 15 nations हैं, 15 ऐसी countries हैं, जहाँ पे कि वो ज़्यादा लोग हंगरी हैं वहाँ पे, ठीक है? So India's rank has dropped to 101st position among all these 116 countries on the Global Hunger Index 2021. In 2020, India was placed at 94th spot. तो हमारा 7th position जो है वो और out of 107 countries, तो वो और हमारा 7 positions जो है वो और पीछे चला गया. But then again, in all fairness, countries have also been added. 9 countries have also been added. तो 2021 GHI score India का जो है ना वो 27.5 है out of 50. मतलब 50% से भी ज़्यादा है, which comes under the serious category. ना अगर हम अपने कुछ नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, लाइक नेपाल 76th रैंक, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71, पाकिस्तान 92, दीज आर ऑल्सो अंडर अलार्मिंग हंगर कैटेगरी, ठीक है? लेकिन दे हैव देयर परफॉर्मेंस इज स्टिल बेटर एट यू नो फीडिंग देयर सिटीजन्स दैन इंडिया. तो वहाँ पे फिर भी जो है उनका जो रेशियो है एज टू हाउ दे हैव परफॉर्म्ड वो ज़्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू इंडिया. अ टोटल ऑफ 18 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, कुवैत एंड ब्राज़ील शेयर द टॉप रैंक एंड द जी एच आई स्कोर ऑफ दीज 18 नेशंस इज लेस देन 5, विच मीन्स दैट दे सफर फ्रॉम वेरी लेस हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन. तो जहाँ पे जितना ज़्यादा स्कोर होगा ना आपका आउट ऑफ 50, उतना ज़्यादा हंगर है आपके कंट्री में, और जितना कम स्कोर होगा उतना कम हंगर है आपके कंट्री में. लाइक यू आर एबल टू फीड योर पीपल वेल. सो दिस इज अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रिपोर्ट इन विच इंडियाज रैंक इज 101st. 16th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एवरी डे एज वर्ल्ड फूड डे अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड to eradicate worldwide hunger from this lifetime. And it also commemorates the date of founding of the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO कहते हैं, FAO कहते हैं, जो कि 1945 में बना था. अच्छा, United Nations की अगर बात करें तो एक और प्लस कोर्स है मेरा, जहाँ पे कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें UN हमने कर लिया है, ICC, ICJ हमने कर लिया है, UNICEF, UNESCO, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है, देन वर्ल्ड बैंक वगैरह किया है. तो दिस इज़ अ प्लस कोर्स विच अगेन यू विल नॉट फाइंड एनी वेयर ऑन यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस. तो अगर आप यू नो एंड यू कैन ऑलवेज एंड दिस इज़ अ रेकरिंग कोर्स, ये चलते रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. तो आप यू नो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द प्लस, और जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे ना तो आप क्रिमिनल लॉ की क्लास में भी बैठ इनरोल कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो अटेंड माई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास, आप किसी और यू नो अन अकेडमी एडुकेटर के और कोई कोर्स में बैठ सकते हो. से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स करना है तो वो उसमें, सो यू विल हैव द ऑप्शन कि यू नो किसी भी कोर्स में एनरोल करके ड्यूरिंग दैट 6 month पीरियड और 9 month पीरियड और 1 year पीरियड, आप जब जितने का भी लो आप उस पूरे ड्यूरेशन में आराम से बैठ के कर सकते हो कोई भी जितने भी कोर्सेज करना चाहते हो, ठीक है? द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड फूड डे वॉज सेव फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो. द मेन फोकस ऑफ दिस डे इज कि फूड जो है वो एक बेसिक और फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, सबका हक है खाना, एंड उसी के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी सेव फूड एंड वी मेक श्योर दैट नो वन गोज हंग्री. सो 16th अक्टूबर रिमेंबर वर्ल्ड फूड डे. तेलंगाना हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन. नाउ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यू नो हाउ डू यू से ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है. इसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डेफिनेटली पढ़ना बिकॉज इसके प्रोज और कॉन्स हैं वो दोनों ही होंगे.
सो स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन जो है वो COVID-19 पैंडेमिक को कंसिडर करके यू नो तेलंगाना ने डेवलप किया, क्योंकि वहाँ पे अब लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन डेमोक्रेसी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो आप इलेक्शन जो है वो टाइम पे हों, फ्री एंड फेयर तरीके से हों, रिग्ड ना हो। सो एक ड्राई रन किया गया इन फॉर्म ऑफ अ डमी इलेक्शन विच वॉज कंडक्टेड इन खामम डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना विद द रजिस्ट्रेशन ऑन द एप्लीकेशन ओपन फ्रॉम 8th to 18th October एंड द डमी वोटिंग ऑन 20th October। ना ये जो ई वोटिंग सोल्यूशन है दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन TSEC विद द इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑफ द IT डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो ये सब लोगों ने मिलकर एक ई वोटिंग सोल्यूशन बनाया जिससे कि लोग जो है अपना वोट जो है स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं और उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि काफ़ी टाइम सेव होगा और एफर्ट्स सेव होंगे और पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। इसका फ्लिप साइड जो है ना क्रिटिसिज्म जो है वो भी बहुत फेयर है। द फ्लिप साइड एंड क्रिटिसिज्म इज़ कि यहाँ पे रिगिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे कई सारे क्रिटिसिज्म्स आ जाते हैं कि यू नो ये प्रॉब्लमैटिक एरिया हो रहा है कि यू नो EVM मशीन्स जो है वो हैक हो रहे हैं। तो चलो अभी तक प्रूव नहीं हो पाया कि EVM मशीन हैक हो सकते हैं, कंक्लूसिव कुछ नहीं है, बट द इशू इज दैट अ लॉट ऑफ कंट्रीज डोंट यूज दीज टेक्नोलॉजीज फॉर डूइंग वोटिंग्स बिकॉज देर आर सीरियस कंसर्न्स। बट वॉट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी, यू नो वॉट इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके इलेक्शंस रिग हो जाए या हैक हो जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस ये जो है ना इसका क्रिटिसिज्म है। तो बट देन अगेन सी वन डे और द अदर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ई वोटिंग सोल्यूशंस। आई एम नॉट डिनाइंग दैट एंड आई कैन नेवर डिनाई दैट बिकॉज टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा। नाउ दिस इज अ कंसर्न विच नीड्स टू बी प्रॉपरली एड्रेस्ड इफ देर इज अ लेजिटिमेट कंसर्न एंड देर इज अ लेजिटिमेट सोल्यूशन टू एड्रेस दैट कंसर्न, देन वाई नॉट। सो डू रीड मोर अबाउट द ई वोटिंग सोल्यूशन एंड you know the right to vote with respect to the technology and the development that is happening not just in India but across the world. Vishwakarma Vatika to be set up at Hunar Hearts. Each Hunar Heart mein government of India has decided to set up a Vishwakarma Vatika. Again, the idea is ki this will preserve and promote jo hamari India ki legacy hai na of skills of artisans, centuries old, bahut purane स्किल्स हैं जो आर्टिसंस के पास, क्राफ्टमैन के पास, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड कि विश्वकर्मा वाटिका जो है वो हर हुनर हाट में सेटअप किया जाएगा। फर्स्ट सच विश्वकर्मा वाटिका जो है वो हुनर हाट एट रामपुर उत्तर प्रदेश में सेटअप किया गया जो कि 16th October से 25th October 2021 के बीच में कंक्लूड हुआ। Right, and the name of Vishwakarma Vatika actually is derived from Vishwakarma, who is a Hindu deity, Bhagwan hai, mana jata hai, who is a god of architects. Vishwakarma ki puja ki jati hai, machines ki puja karte hain, pray karte hain, ki sab kuch theek se chalte rahe. So ye wahi se aa raha hai, unhi god ka naam ko use karke, Vishwakarma Vatika jo hai, wo banaya gaya. Vatika is like ghar, to Vishwakarma ji ka ghar aise maan ke samjho. याद रखो, ठीक है। BPCL has launched automated fueling technology UFIL. So ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है has launched automated fueling technology जिसका कि नाम है UFIL। ये बहुत ही स्विफ्ट, सिक्योर और स्मार्ट एक्सपीरियंस देने वाला है अपने कस्टमर्स को एट द आउटलेट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद द कंट्रोल ऑफ फ्यूलिंग। तो आप खुद से फ्यूल कर सकते हो। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ना वो ये जो आपको हमेशा बोला जाता है कि जीरो देखो, देखो कि लास्ट में कितना आपने जितना पैसा बोला उतना है कि नहीं और कितना टोटल फ्यूल आया, ऑल ऑफ दिस मैनुअल रीडिंग्स और मैनुअल इंटरवेंशन जो है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो ऑल दिस मैनुअल इंटरवेंशन गेट्स एलिमिनेटेड और कंप्लीट कंट्रोल जो है वो आपके पास है ओवर टाइम टेक्नोलॉजी एंड दिस कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द फ्यूलिंग एक्सपीरियंस। तो ये BPCL जो है वो हैज लॉन्च्ड अ UFIL विच इज ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी। सॉरी गाइस, जस्ट वन सेकेंड प्लीज।
अच्छा, द पेमेंट एंड हाउ यूफिल कैन वर्क इज दैट ये ना सभी सभी पेमेंट गेटवेज के थ्रू कनेक्टेड है, लाइक ऑल द यूपीआई पेमेंट्स लाइक जी पे, पेटीएम, फोन पे, भारत पे एक्सेट्रा, और ये रियल टाइम क्यूआर एंड वाउचर कोड्स जो है वो थ्रू एसएमएस जो है वो शेयर कर देता है, सो दैट इट बिकम्स मोर इजी टू इवन पे फॉर फॉर द फ्यूअल दैट यू नो आपने यूज किया है या आपने परचेज किया है. Reliance Industry has topped in world in Forbes World's Best Employer 2021 ranking. मतलब not globally, India में. Indian corporates में अगर देखें तो मुकेश अंबानी जिसके कि chairperson है, जिसके कि leader है Reliance Industries के, वो India में for the Indian corporates it has topped in the World's Best Employers 2021 ranking, जो कि publish किया है Forbes magazine ने. ग्लोबली देखे तो रिलायंस 52nd पोजीशन पे, वर्ल्ड में 52nd नंबर का बेस्ट एम्प्लॉयर है रिलायंस अमंग 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट्स कंपनीज. ठीक है, सैमसंग जो है साउथ कोरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट सैमसंग हैज टॉप द ओवरऑल रैंकिंग्स एज द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021, फॉलोड बाय यूएस के आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Apple, Alphabet and Dell Technologies. Alphabet is Google. I hope तुमको ये पता है. ठीक है, Google का नाम चेंज करके Alphabet कंपनी कर दिया गया है. ओके, ये काफी पहले ही हो गया था. तो ये जो है, these are the world's best employers in the world. India के अगर उसमें देखें तो Reliance Industries जो है वो है. This has been prepared by Forbes in partnership with market research company Statista. Statista एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, उसके साथ मिलके फोर्ब्स ने इस रैंकिंग्स को बनाया है जिसमें कि 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट कंपनीज को मेजर किया गया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के सीईओ जो है वो रितेश चौहान बने हैं. सो सीनियर ब्यूरोक्रेट है रितेश चौहान, जिनको कि सीईओ बनाया गया है फॉर द फसल बीमा योजना, एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. He will have a combined tenure of 7 years, or he's a 2005 batch IAS officer of Himachal Pradesh cadre, and ये जो है वो आशीष कुमार भूटानी को succeed करेंगे जो कि 2018 में appoint किए गए थे. फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो basically एक insurance है, इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द फार्मर्स, और फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस करते हैं उसको इंश्योर करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना. सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स. ठीक है, एंड सेटलमेंट ऑर्डर्स और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को करने के लिए 4 मेंबर हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट किए. सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल करने का सबसे एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है, नाउ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी विल बी विजय सी दागा, हु इज अ रिटायर्ड जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. And the terms of reference of the committee will be as per Securities and Exchange Board of India Settlement Proceedings Regulation 2018. So basically, इसमें होगा क्या कि जिन भी लोगों के अगेंस्ट, मतलब कोई वॉयलेटर है जिसने सिक्योरिटीज लॉ का, सेबी एक्ट का कोई वॉयलेशन किया है, तो वहाँ पे अगर उनको पेनल्टी पे करनी है और वो उतना पेनल्टी नहीं पे कर पा रहे हैं तो कितने अमाउंट में सेटल किया जाना चाहिए वो सेटलमेंट ऑर्डर पास करेंगे, उस पर एडवाइस देंगे. एंड अगर उन्हें पनिश करने के लिए, सो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर आपको पनिशमेंट मिला है और वो ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो मतलब वहां पे सेटलमेंट किया जा सकता है. ठीक है, सो सेबी कैन सेटल रादर देन पनिशिंग यू एंड सेंडिंग यू टू जेल, सेबी कैन सेटल दैट इशू एंड कैन आस्क यू टू फाइनलाइज एन अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो कि आप पे करो और आपको फिर जेल टाइम जो है वो नहीं होगी. ठीक है, तो यही हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है सेबी ने,
जिसके की चेयरपर्सन विजय सी दागा होंगे, हु इज अ रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज. ICC एंड यूनिसेफ आर टू पार्टनर फॉर मेंटल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. सो 2021 मेंस T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी, जिसका फाइनल होगा एंड यू नो UAE और ओमान में चल रहा है ये. सो द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ जो है, दे हैव पार्टनर्ड टू हेल्प ब्रेक द स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ बाय रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इशू अमंगस्ट चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. ये सबसे बड़ा मिथ है कि बच्चों को और यू नो ग्रोइंग अप एडोलेसेंट्स को, टीनेजर्स को मेंटल हेल्थ इशू नहीं होती है. ये बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है. अगर आपको कभी भी, एंड दिस इज ऑन अ पर्सनल लेवल दैट आई एम स्पीकिंग, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यू नो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटेरिएट कर रही है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, ऑलवेज स्पीक अप. डोंट एवर थिंक कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की क्या मेंटालिटी होगी. डोंट सफर इन साइलेंस, ऑलवेज स्पीक अप, ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स, यू कैन ऑलवेज स्पीक टू प्रोफेशनल्स, एंड ट्रस्ट मी इट विल ओनली हेल्प यू. बिकॉज मेंटल हेल्थ जब तक आपका अच्छा नहीं रहेगा, आप कितना भी फिजिकली फिट रहो, आप कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो ICC एंड यूनिसेफ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि क्रिकेट की एपेक्स बॉडी है वर्ल्ड के लिए, और यूनिसेफ जो है वो अवेयरनेस रेज कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अमंगस्ट चिल्ड्रन टू इनकरेज ग्रेटर कॉन्वर्जेशन दैट कैन हैपन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट कैन हैपन ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू. और ये जो है ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 के बिगिनिंग में हुआ. ठीक है. ऑल्सो लाइक आई सेड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड यू शुड ऑलवेज स्पीक अप whenever you feel like, and if you know someone you know who is going through some mental health issue, be very compassionate towards that person and try and help out and reach out to people who have some health issues. Moving on to the next event, Russian team is back on earth after filming first movie in space. So Russian film crew jo hai wo wapas aa gaye earth pe after wrapping up the scenes for the first movie shot in space. Klim Shipenko and actor Yulia Preselid left International Space Station and landed in Kazakhstan to be met by a crew filming touchdown scenes. The movie has been its own kind of space race with Tom Cruise. He is apparently part of Hollywood filming in space project involving NASA and Elon Musk's SpaceX. And the filmmakers blasted off from Russia's led Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan earlier in October, and traveling to International Space Station with veteran cosmonaut Anton Shkaplerov. Thoda difficult naam hai. To film the scenes for The Challenge. The name of the movie is The Challenge. Ye badi interesting hai aur ye kafi realistic movie jo hai in logon ne bana rahe hain. And reality mein actually ye log jaake space mein shoot karke, touchdown scenes shoot karke wapas aa chuke hain. India ने नेपाल को 3-0 से हरा के 2021 सैफ चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम कर लिया, वॉन द सैफ चैम्पियनशिप फाइनल्स. सो दिस साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ का फुल फॉर्म है, और ये नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव्स में खेला गया था 16th of October को. एंड ये इंडियन मेंस नेशनल फुटबॉल टीम का 8th सैफ चैंपियनशिप टाइटल है. दिस इज द 8th टाइम दैट वी हैव वन द सैफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. इससे पहले इंडिया ने 93, 97, 99, 2005, 9, 2011 एंड 2015 में ये जो सैफ चैंपियनशिप होता है वो हमने जीता है. सुनील छेत्री, सुरेश सिंह वांगमैन एंड साहल अब्दुल समाद जो है वो गोल स्कोरर्स थे इंडियन टीम के लिए. सुनील छेत्री जो है हमारे इंडियन टीम के कैप्टन भी हैं, और ही वाज आल्सो द टॉप स्कोरर इन द चैम्पियनशिप विद 5 goals. ही स्कोर्ड हिज 80th इंटरनेशनल स्ट्राइक एट द चैम्पियनशिप टू इक्वल स्कोर विद लियोनल मेसी.
क्योंकि लियोनल मेसी का भी इंटरनेशनल स्कोर्स अगर आप देखोगे तो वो 80 गोल्स का किया हुआ है एंड बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट गोल स्कोरर्स इन द इंटरनेशनल फुटबॉल अमंग ऑल द एक्टिव प्लेयर्स, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्टिव गोल्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं. India has re-elected, India has been re-elected to UN Human Rights Council for a sixth term. India ko re-elect kiya gaya hai 14th October ko with an overwhelming majority UN Human Rights Council mein. 3 year ka term hoga India ke liye, which will be effective from January 22 to January 2024. India received 184 votes of the 193 votes which were cast in the election. So like only what six? 9 votes were cast against us, but rest all of them favored that, you know, India should be part of Human Rights Council. The elections were held for a total of 18 seats and countries needed a minimum of 97 votes to get elected to the 47 UN member council. And UNHRC ka headquarters jo hai wo Switzerland, Geneva mein hai. प्रदीप कुमार पांजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक. इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का नहीं है, ये वन लाइनर के लिए काफ़ी सफिशियंट है हमारे लिए. सो प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटका बैंक के चेयरमैन के तरफ के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है. 37th रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSGs जो है, विच आर पॉपुलरली नोन एज ब्लैक कैट कमांडोज, उनका रेजिंग डे 16th अक्टूबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. And 2021 has been marked as the 37th anniversary of the establishment of National Security Guards. ये elite counter-terrorism unit है under the Indian Ministry of Home Affairs. ये Defence Ministry के अंडर नहीं आते हैं, ये Home Affairs Ministry के अंडर आते हैं. और ये anti-terrorist activities को deal करने के लिए एक बहुत ही specialized federal contingency force है. And they are equipped and they are trained to deal with specific situations. और ये serious acts of terrorism वगैरह जब भी होते हैं तो ये तुरंत आके यू नो उसको कट डाउन करते हैं या फिर उसको यू नो दे जस्ट टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1984. दे आर पॉपुलरली नोन एज द ब्लैक कैट्स एंड हाईजैकिंग, टेररिस्ट अटैक्स, हॉस्टेज कैप्टिविटी, अगर ये सारे जो सिचुएशंस होते हैं ना उनको थॉट करने में, उनको न्यूट्रलाइज करने में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो है, NSG कमांडोज जो है, दे आर स्पेसिफिकली दे आर स्पेशली ट्रेन इन दैट. ठीक है, तो ये 16th अक्टूबर को हमेशा इनका रेजिंग डे जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. अगर आप मुंबई अटैक्स में, मुंबई टेरर अटैक्स जो हुआ था अगर आप देखोगे तो उसमें भी सबसे तो ऑफकोर्स जब हो रहा था ताज में, जब ये सब हो रहा था तो NSG की जो कमांडो फोर्स थी उसको तुरंत यू नो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू यू नो दे वर सेंट और वो इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच के यू नो दे टुक केयर ऑफ द सिचुएशन एट द ताज होटल. तो यू नो दे आर ट्रेंड स्पेशली फॉर सिचुएशंस लाइक दैट. ओके, IPL 2020, हाउ कैन वी यू नो नॉट डिस्कस दैट. ये कुछ सिंपल, ये खैर एनी वेज पे काफ़ी सिंपल इशू है, मतलब इशू नहीं है, टॉपिक है. सो चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफीट किया कोलकाता नाइट राइडर्स को इन द फाइनल्स ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग. मेरे को आई गॉट कंफ्यूज, यस KKR वॉज इन द फाइनल्स, नाउ आई रिमेंबर. आई लाइक हाउ डिड KKR रीच टू द फाइनल्स? सो नो दे वेंट टू द फाइनल्स, यस. सो CSK डिफीटेड KKR इन द फाइनल्स ऑफ 2021 to win the Indian Premier League. This was the 14th edition of IPL, of a T20 cricket tournament, and this was the fourth win of Chennai Super Kings in IPL, having previously won the tournament in 2010, 11 and 18. Mahendra Singh Dhoni was the captain of CSK. We all know Ian Morgan was the captain of the runner-up team KKR. He's from England. And the first half of IPL was played in India, while the second half of the IPL was played in UAE, and the finals were held at Dubai International Stadium. ये shift किया गया था because of COVID pandemic, क्योंकि India में permissions नहीं मिले थे, cancel करना पड़ गया था for hosting, क्योंकि एक वो biosecure bubble जो है ना वो create नहीं हो पा रहा था India में, और वो उस time पे बहुत ही rapid तरीके से you know बढ़ रहा था.
Okay, moving on to the next one. Indian Army wins gold medal in the exercise Cambrian Patrol 2021. Team from 5th Battalion, 4 Gorkha Rifles representing Indian Army won the gold medal at prestigious Cambrian Patrol exercise, which was UK mein host kiya gaya tha. Indian team took part in the event and competed with a total of 96 teams, including 17 international teams representing special forces and prestigious regiments from different parts of the world. हमको काफ़ी ज़्यादा यू नो अप्रिसिएशन मिला हमारी टीम को एंड द टीम वॉज प्रेज्ड फॉर देयर एक्सलेंट नेविगेशन स्किल्स ओवरऑल फिजिकल एंड्योरेंस एंड डिलीवरी ऑफ पेट्रोल ऑर्डर्स सो गोल्ड मेडल जो है वो हमने जीता कैम्ब्रियन पेट्रोल जो कि यूके में हुआ था इंडियन आर्मी फिफ्थ बटालियन गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स वॉन दिस गोल्ड मेडल राहुल द्रविड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच फॉर Indian men's cricket team and he will be succeeding Ravi Shastri whose tenure now ends with the T20 World Cup in UAE and as per the reports BCCI President Saurav Ganguly Honorary Secretary Jay Shah had a meeting with Dravid in Dubai and pleaded him to take charge of the national team Rahul Dravid also known as the wall of the Indian cricket has been roped in for a 2-year contract and he will be drawing a salary of 10 crores Now, and Team India has also appointed Lieutenant Paras Mhambre as their bowling coach, replacing Bharat Arun, even as Vikram Rathod has been persisted with as the batting coach. The decision on who should replace the fielding coach, R. Sridhar, hasn't just been made yet, but ye baate jo hai ye chal rahi hai to give a complete overhaul to the Indian men's cricket team. Divya Deshmukh became India's 21st woman Grand Master after receiving a second international master at Grand Master in Budapest, Hungary. He scored 5 points in the 9 rounds and ended up with a performance rating of 2452 to secure her final WGM norm, Woman Grand Master. She. Divya also secured her second international master and is now a norm away from becoming international master. And apart from 3 wins, she played out 4 draws while losing 2 games in the overall tournament. So thereafter, they're therefore becoming the 21st women grandmaster from India. And she is just 15 years old, by the way. Russia-China holds a naval drill joint sea 2021 in Sea of Japan. ये एक joint exercise है जो कि Russia के Peter the Great Gulf in the Sea of Japan में kick off किया गया 14 October को. ये 17 October तक चला during the war game. Combined force जो है उन्होंने practice की है shooting की at targets जो कि you know enemy surface ships को imitate करती हुई है. And also did hold air defense drills. Both the countries jointly did this. Ye joint sea exercise 2021 ka part tha. It was a bilateral naval exercise, jo ki dono Russia and China ke beech mein 2012 se chale aa raha hai, right? And the Russian state news agency TASS ne aisa report kiya. And the plan was to participate in the exercise with Type 052D destroyer Kunming. Ye inka ek destroyer ship hai. जिसके साथ की इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था रशिया ने विद चाइना जोनस गहर स्टोर बिकम्स नॉर्वेज न्यू प्राइम मिनिस्टर सो द लीडर ऑफ द लेबर पार्टी इन नॉर्वे जोनस गहर स्टोरे हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 14th अक्टूबर एंड स्टोरेज लेबर पार्टी वॉन द पार्लियामेंटरी इलेक्शन फॉलोइंग अर्ना सोलबर्ग जो इन मतलब पहले प्राइम मिनिस्टर उससे पहले के प्राइम मिनिस्टर थे एंड उनकी गवर्नमेंट जो है उनको स्टेप डाउन करना पड़ा सो अर्ना सोलबर्ग जो है शी हैड टू स्टेप डाउन एंड रिप्लेसिंग दैट आफ्टर द पार्लियामेंटरी इलेक्शन जोनस गहर स्टोरे हैज़ बिकम द लीडर ऑफ द नेशन नॉर्वे और या सो बेसिकली यस सो ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे Navrang Saini gets additional charge as the chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India.
This post fell vacant after MS Sahu retired after a 5-year tenure on 30th September. So Navran Saini is a whole-time member of Insolvency and Bankruptcy Board of India now, and he has gotten the additional charge as the chairperson. And this is in addition to his existing duties. So this will be for 3 months or till the joining of a new person to the post or until further orders, whichever is earlier. ये जो प्रेस रिलीज रिलीज की गई उसमें ऐसा बताया गया. इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज 17th अक्टूबर. अक्रॉस द ग्लोब सेलिब्रेट किया जाता है एंड दिस इज बेसिकली टू स्प्रेड एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड डेस्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज. द थीम वॉज बिल्डिंग फॉरवर्ड टूगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट. This year marks the 28th anniversary of declaration by the General Assembly of the United Nations as the International Day for Eradication of Poverty. Okay. And this year also marks the 32nd anniversary of the call to action by Father Joseph Vranitzky, which inspired the observation of the World Day for Overcoming Extreme Poverty. So, you know, 17th October, Eradication of Poverty International Day celebrated. Kiya jata hai. RBI has authorized Karur Vysya Bank to collect direct taxes. Central Board of Direct Taxes ke behalf pe Karur Vysya Bank jo hai wo collect kar sakta hai direct taxes. And after this approval, humne pehle padha tha IndusInd Bank ko CBDT aur CBIC jo hai uske liye bhi indirect taxes and customs board ke liye bhi diya gaya. But Karur Vysya Bank has gotten this authorization to collect only direct taxes, not indirect taxes. तो ये याद रखना, ठीक है? तो D-Lite mobile application जो है इनका, उसके through या branch से, net banking से, mobile banking service which is D-Lite mobile, जो customers हैं, they can directly deposit their direct taxes. China has launched first solar exploration satellite from the Taiyuan Satellite Launch Center in North Shaanxi Province. On a Long March 2D rocket. The satellite was named as Zhehi. Zhehi is the goddess of the sun who created the calendar in ancient Chinese mythology, also known as the Chinese half-solar explorer, Chase, we get there. The satellite has been developed by a China Aerospace Science and Technology Corporation. So, this first solar exploration satellite that China has launched. Niti Aayog has joined hands with ISRO to launch Geospatial Energy Map. The idea is ISRO ke saath collaborate kiya hai and the Energy Ministry of the Government of India ke saath collaborate karke all energy resources of the country ko ek map pe dalna hai jisse ki humko pata rahega ki hamari kahan kahan hamare kya energy systems jo hai wo hoga. To ye ek Energy Map of India jo hai wo jointly launch kiya gaya by Dr. Rajiv Kumar, who is the Vice Chairman of Niti Aayog, Dr. V.K. Saraswat, member of Niti Aayog, and Sri Amitabh Kant, who is the CEO of Niti Aayog. 18th October ko hua. This map will help to identify and locate all primary and secondary sources of energy and their transportation, transmission networks, or a comprehensive view ki energy production or distribution in India mein, is country mein kis tarike se ho raha hai. Usko kaise aur better kar sakte hai, kaise better plan kar sakte hai, aur investment decisions kaise liye ja sakte hai. India's Takacher wins Prince William's inaugural Eco Oscar Award. So, New Delhi-based 17-year-old entrepreneur Vidyut Mohan is among the 5 global winners of inaugural Earthshot Prize, also known as Eco Oscars. This honors people trying to save the planet. Vidyut was awarded in the Clean Air category for the technology called Takacher, which is a small portable device jo ki crop residue jo hota na. फार्मर्स जो बर्न कर देते हैं क्रॉप्स जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू बायो प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये स्मोक एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है जो कि एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज कर देता है. एंड ईच ऑफ दीज 5 विनर्स रिसीव £1 million फॉर देयर प्रोजेक्ट. एंड ईको ऑस्कर्स जो है वो एक इन्वायरमेंटल अवार्ड है जो कि प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एंड नॉन ब्रिटिश हिस्टोरियन डेविड एटनबरो ने 2020 में इस्टैब्लिश किया था जो कि 2021 से 2030 तक के लिए एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा 5 विनर्स को.
ठीक है. सो और अच्छा अगेन दिस वाज आल्सो विद्युत मोहन से अभी प्राइम मिनिस्टर जो है ना पता नहीं किस कंट्री में बट किसी तो यूरोपियन कंट्री में ही मेट विद्युत मोहन एंड गॉट टू काफी आइडियाज लिया अबाउट व्हाट ही इज डूइंग एंड हिज इंटायर थिंग. खैर एनीवे श्रीलंका हैज सॉट $500 million एज लोन फ्रॉम इंडिया क्योंकि श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, फूड क्राइसिस चल रहा है एंड यू नो 500 मिलियन क्रेडिट लाइन जो है उसी के बीच में यू नो दे हैव टू डू द क्रूड ऑयल परचेजेस एज वेल. तो उसको पेमेंट करने के लिए क्रूड ऑयल परचेज पेमेंट करने के लिए इंडिया से 500 मिलियन का क्रेडिट लाइन मांगा है श्रीलंका ने क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बहुत सीवियर हिट हुआ है श्रीलंका का. ठीक है. सो एंड बिकॉज टूरिज्म जो है उनका मेन नेशन का अर्निंग है और कोविड के कारण टूरिज्म कम्प्लीटली बंद हो चुका है सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू यू नो अर्न दैट मनी. सो पेट्रोल एंड डीजल रिक्वायरमेंट्स को परचेज करने के लिए उन लोगों ने मांगा है इंडिया से. एंड अमिताभ चौधरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए. तो एक्सटेंडेड 3-year टर्म जो है वो इफेक्टिव होगा January 1, 2022 से. सो अमिताभ चौधरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एक्सिस बैंक. WHO वर्ल्ड TB रिपोर्ट फॉर 2021 इंडिया वर्स्ट हिट कंट्री इन TB एलिमिनेशन. तो WHO ने रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट जहाँ पे उसने हाईलाइट किया है COVID-19 का यू नो इफेक्ट्स जो कि ह्यूज रिवर्सल इन प्रोग्रेस ऑफ TB एलिमिनेशन कर दिया. ये इसके कारण ट्यूबरकुलोसिस वापस से यू नो आ चुका है एंड इंडिया इज द वर्स्ट. दिस रिपोर्ट मेंशन दैट इंडिया इज द वर्स्ट हिट कंट्री इन TB एलिमिनेशन जहाँ पे कि TB के नए केसेस यू नो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट देखा गया. अ ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ 20% TB केसेस वर विटनेस इन 2020 एज कम्पेयर टू 2019. दैट इज अ गैप ऑफ 4.1 million केसेस एंड द प्रोग्रेस इन TB डिटेक्शन हैज गॉन बैक टू द लेवल्स ऑफ 2012 विद इंडिया अकाउंटिंग फॉर 41% ऑफ टोटल केसेज ड्रॉप्स इन 2020. RBI हैज इम्पोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर 1 crore का पेनल्टी फॉर नॉन कम्प्लायंस विद डायरेक्शंस कंटेनिंग RBI फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स इन सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टिव्स 2016. तो ये कुछ बैंकिंग रेगुलेशंस थे जिसको कि फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन और रिपोर्ट जो करना होता है RBI को हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स को वो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया था. तो उसके उस वायलेशन के लिए लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर 1 crore का पेनल्टी लगाया है RBI ने. नासा हैज़ लॉन्च लूसी मिशन टू स्टडी द जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड और ये लाइफ ऑफ लूसी इज 12 years ड्यूरिंग विच द स्पेस क्राफ्ट विल फ्लाई बाय टोटल ऑफ 8 एंशियंट एस्ट्रॉयड टू स्टडी अबाउट द सोलर सिस्टम्स एवोल्यूशन. दिस विल इंक्लूड 1 main बेल्ट एस्ट्रॉयड एंड 7 जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स. ये लूसी मिशन विल मार्क नासाज फर्स्ट सिंगल स्पेस क्राफ्ट मिशन इन हिस्ट्री टू एक्सप्लोर सो मेनी डिफरेंट यू नो एस्ट्रॉयड्स. द लूसी प्रोब वॉज लॉन्च्ड ऑन अ यूनाइटेड लॉन्च अलायंस Atlas-5 रॉकेट फ्रॉम स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट केप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा 16 October. पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत छानी हैज लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम स्कीम जहाँ पे कि आइडिया इसका एम है टू कन्फर प्रोप्राइटरी राइट्स टू पीपल लिविंग इन द हाउसेज विद इन अ लाल लकीर ऑफ विलेजेस एंड द सिटीज. सो द लैंड एरिया विच इज पार्ट ऑफ द विलेज हैबिटेशन एंड इज यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज ओनली इज नोन एज लाल लकीर. सो ऐसे में जो लोग रह रहे हैं उनको उनको वो प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए सो दैट वो उनके नाम पे रहे तो ये एक स्कीम जो है वो बनाया गया है. सो गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन सर्वेलेंस और ड्रोन सर्वे कंडक्ट करेगी ऑफ दीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज रूरल एंड अर्बन एरियाज में डिजिटल मैपिंग के लिए जिससे कि एलिजिबल रेसिडेंट्स जो है वो पता चल जाएंगे कि किन कौन से ऐसे एलिजिबल रेसिडेंट्स हैं जो लाल लकीर प्रॉपर्टी के प्रोप्राइटर्स बनेंगे. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन होगा बिफोर गिविंग दैट प्रॉपर्टी या उनके नाम पे करने के लिए जो कि एक टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा. प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो दिया जाएगा टू फॉर द रजिस्ट्री पर्पसेस सो दैट दे कैन अवेल लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और इवन सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी. सो दैट इज व्हाट इज द स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब चीफ मिनिस्टर.
So with this, we come to end of all the important updates that we wanted to do in the third part of current affairs, the third part of current affairs class. Don't forget, जैसे मैंने starting में बताया था, एक क्रिमिनल लॉ की प्लस अनअकैडमी प्लस पे क्लास है 22 नवंबर से. आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाई यूजिंग VAI10 एंड गेट अ 10% डिस्काउंट इन द कोर्स. On that note, thank you so much for joining in. Don't forget to share and like and share this video with your friends and family. And also don't forget to subscribe to Unacademy Law channel. Till we meet again, take care, stay safe. Thank you so much. This is Vaibhav Prakash signing off. Bye.